हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल का। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, मैं अपने ज्यादातर वीडियो में आपको ये बताता रहता हूँ कि किस किस तरह का फ्रॉड हो रहा है, उससे आप सतर्क रहें ताकि आपके साथ कोई फर्जीवाड़ा ना हो सके। अब एक नया तरह का फ्रॉड सुनने को मिल रहा है। ये जो फ्रॉड है इसको आप हनी ट्रैप भी बोल सकते हैं। हनी ट्रैप का मतलब ये होता है कि रोमांस का इस्तेमाल करके, सेक्सुअल रिलेशनशिप का इस्तेमाल करके किसी को ठगना, किसी से पैसे मांगना, किसी के साथ फर्जीवाड़ा करना। ये जो फ्रॉड है, ये फ्रॉड है न्यूड वीडियो कॉल का। इसको आप न्यूड वीडियो कॉल ब्लैक फ्रॉड भी बोल सकते हैं। क्या होता है इसमें? इसमें ये होता है कि व्हाट्सएप पे कोई अननोन नंबर से आपको मैसेज आता है। उस मैसेज में ये लिखा रहता है हाय हेलो। अगर आप उससे बात करने लगते हैं तो थोड़ी देर बाद उसी नंबर से एक वीडियो कॉल आती है। अगर उस वीडियो कॉल को आपने रिसीव कर लिया तो दूसरे इंड पे एक महिला रहती है जो कि अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है। आप सोचते हैं ये क्या हो रहा है? कुछ लोग उसे देखते हैं, कुछ लोग उसे देखने के बाद बंद कर देते हैं, सोचते हैं कि ये कोई गलत चीज़ है। लेकिन क्या होता है, थोड़ी देर बाद उसी नंबर से एक और वीडियो आती है और वो वीडियो एकदम उसी तरीके से रहती है और फिर उसमें बताया जाता है कि वीडियो आपकी है उस महिला के साथ। लेकिन उस महिला के साथ ये जो वीडियो है आपकी, ये आप ही हैं इसमें और इन दोनों के चेहरे इसमें दिखता नहीं है, साफ क्लियर नहीं दिखता। लेकिन वो बताते हैं कि आप ही का चेहरा है, यही औरत है जिसके साथ आप बात कर रहे थे, आप लोग दोनों कॉल अटेंड कर रहे थे। और फिर उसके बाद कहा जाता है कि अगर आपने बताए हुए पैसे नहीं जमा किए, उनको नहीं दिए, तो ये जो वीडियो है इसको सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया जाएगा। उसके बाद आपकी बदनामी होगी, आपके रिलेटिव को दे दिया जाएगा, आपको फंसा दिया जाएगा। तो इस तरह से डर बैठाया जाता है और लोग से पैसे मांगे जाते हैं। फिर उसी व्हाट्सएप नंबर पे एक बैंक अकाउंट का नंबर आता है, उस पर कहा जाता है कि पैसा जमा कर दीजिए। अब जो लोग शरीफ रहते हैं, जो लोग गलती से उसमें फंस जाते हैं, वो लोग पैसा जमा कर देते हैं। जिनके पास पैसा नहीं होता तो उन पर दबाव बनाए जाते हैं, तरह तरह के उनको धमकी दी जाती है। तो कुछ लोग इसमें गलत स्टेप ले लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अगर किसी इंसान ने उस महिला से बात कर ली या फिर उसकी कॉल को अटेंड कर लिया तो वही स्क्रीनशॉट ये लोग ले लेते हैं उस महिला के साथ और फिर वही स्क्रीनशॉट को भेज कर कहते हैं कि ये फोटो को, ये स्क्रीनशॉट को वायरल कर दिया जाएगा अगर आपने पैसे नहीं दिए। तो लोग घबरा कर पैसे जमा कर देते हैं। अब इस तरह की वीडियो कॉल के पहले भी केस हुआ करते थे, उसमें क्या होता था, लड़के लड़कियों को फंसाया जाता था। लड़कों से ये कहा जाता था कि लड़की का चेहरा तभी दिखाया जाएगा अगर वो न्यूड होकर बैठेंगे, बात करेंगे। इसी दौरान उनकी वीडियो बना ली जाती थी, फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता था। लड़की को प्यार का झांसा देकर फंसाया जाता था, बहला फुसला कर उनको फंसाया जाता था, गंदी वीडियो बना दी जाती थी, फिर ब्लैकमेल करके पैसा मांगा जाता था। इस तरह से लोगों के साथ गलत किया जाता था और कभी कभी ये सुसाइड का केस भी बन जाता था, लोग तंग आकर सुसाइड कर लेते थे। अब दोस्तों, इससे बचा कैसे जाए? देखिए, कभी भी कोई अननोन नंबर से अगर आप चैट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर या किसी ऐप के थ्रू, तो कभी भी किसी से चैट मत करिए। अपने पर्सनल डिटेल्स को मत बताइए, अपनी पूरी चीज मत बताइए जिससे कोई फायदा उठा सके। पहली बात तो आप कोई अननोन नंबर से बात ही मत करिए। अगर कोई भी अननोन नंबर से आपको वीडियो कॉल आती है तो आप वीडियो कॉल को रिसीव मत करिए। अगर आपने गलती से वीडियो कॉल को रिसीव भी कर लिया तो आप तुरंत फ्रंट कैमरे पे हाथ रख दीजिए और उसके बाद उस वीडियो कॉल को डिस्कनेक्ट कर दीजिए ताकि कोई भी आपकी फोटो ना देख सके, आपकी रिकॉर्डिंग ना बना सके, गलत काम ना कर सके। और अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया है तो आप 15520 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराइए और दूसरों को बताइए ताकि वो भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकें और उनके साथ कोई इस तरह का फ्रॉड ना हो सके। और अपनी प्रिवेसी सेटिंग को बहुत स्ट्रांग करिए ताकि आपके कोई भी पर्सनल डिटेल्स, डेटा, फोटोज, कोई भी चीज़ कोई देख ना सके अननोन इंसान और उसका फायदा उठा सके। तो दोस्तों, यही थी आज की जानकारी। ऐसी बहुत सी जानकारी पाने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब वीडियोज। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कैसे लगा आपको मेरा वीडियो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।